रक्षाबंधन के त्यौहार के मद्देनजर नगर पालिका ने बहनों को राहत दी है। नगर पालिका परिषद नागदा ने 25 अगस्त से कृष्णा जन्माष्टमी तक महिलाओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बाईपास पर बनाए गए नवीन बस स्टैंड से लेकर नगर पालिका के पास स्थित पुराने बस स्टैंड तक निःशुल्क बस सेवा चलाने का निर्णय लिया है। दरअसल कुछ दिनों पूर्व ही बस स्टैंड को शहर के बाहर शिफ्ट किया गया है। इस नई व्यवस्था को लेकर कई लोगों ने असुविधा जताई थी। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बहनों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहनों को जन्माष्टमी तक आने जाने में असुविधा ना हो, इसलिए नगर पालिका द्वारा ये निःशुल्क बस सुविधा की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद नागदा के द्वारा गत दिनों लगभग 3 करोड़ की लागत से नगर पालिका परिषद नागदा के द्वारा राजा जन्मेजय के नाम से नया बस स्टैंड संचालित किया जा रहा है और लगभग प्रारंभ करने के बाद से ही लगातार सारी बसें वहीं से आवागमन चल रहा है। अभी वर्तमान में हमारी माताओं बहनों का हम सब का पवित्र त्यौहार जन्माष्टमी और रक्षाबंधन है। नगर पालिका परिषद नागदा के अध्यक्ष जी माननीय अशोक मालवी जी ने निर्णय किया है सबकी सहमति से कि हमारी माताओं बहनों को किसी तरह के समस्या का सामना ना करना पड़े, वहाँ से इनको आने में तकलीफ ना हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी कि शाम को 5 बजे से लेकर और रात्रि 8 बजे तक नगर पालिका परिषद नागदा की जो बस है वह निशुल्क वर्तमान बस स्टैंड से लेकर और जो हमारा पूर्व का बस स्टैंड था, बस स्टैंड यहाँ पर हमारे जवाहर मार्ग पर, इस बस स्टैंड तक निःशुल्क चलेगी। जितनी भी वो केवल महिलाओं के लिए होगी, इसलिए जितनी भी माताएं बहनें हमारी बस के द्वारा यात्राएं कर रही हैं, जो वहां पर आती हैं, तो उनको वहां से लेकर यहां बस पुराने बस स्टैंड तक छोड़ने की जवाबदारी निःशुल्क रोज रात को शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक नगर पालिका की होगी। यहां से रात्रि शाम के टाइम में अगर इस पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड पर भी यदि कोई माता महिला जाना चाहती है तो वही बस उनको वहाँ पर भी लेके जाएगी। इस तरह का फैसला अभी हमने जो हमारा कल से हम इसको प्रारंभ करेंगे और जन्माष्टमी के पर्व तक हम इसको प्रारंभ करेंगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए आज के शहर की ये जनता को हम सूचना के आपके चैनल के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि आप जो भी माताएं बहनें बसों का उपयोग करके आवागमन का साधन का रूप में बसों का उपयोग कर रहे हैं, आप नए बस स्टैंड पर आते ही नगर पालिका की जो हमारी लाइसेंस की जो नगर पालिका द्वारा दी बस पीली कलर की बस आपको मिलेगी, उस बस से आप निःशुल्क पुराने बस स्टैंड तक यहाँ तक आ सकते हैं, जवाहर मार्ग तक आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ से भी आपको वहाँ जाना है तो वहाँ पर भी आप निःशुल्क जा सकते हैं। नगर पालिका परिषद नागदा के अध्यक्ष जी की ये शुरुआत अभी हमने करी है रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक। आप सबके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं और भी जब भी हमें इस तरह की कोई आवश्यकता लगेगी तो हम आपके सुझावों पर और अमल करेंगे और इस तरह के कार्य हम करते रहते हैं। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।